सवाल उठा रहे हैं कि इसमें कई समय देखिए ये खिलाओ मत भाई, निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल नहीं, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। और ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि एक भी वादा नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं 9 साल से सत्ता में, एक भी वादा इन्होंने जमीन पे पूरा नहीं किया। ये एक और जुमला लेकर आए हैं जिसमें ये बिल 15 साल में पास होगा कि 20 साल में पास होगा कि 25 साल में पास होगा, कब पास होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं। अगर आप महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन 2024 में लागू कीजिए। आप कह रहे हैं हम 2035 में लागू करेंगे, 2040 में लागू करेंगे, 2045 में लागू करेंगे। इस देश की महिलाओं को आपने बेवकूफ समझ रखा है। महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने एक और जुमला महिला आरक्षण बिल के नाम पर सामने रखा है। इसको इस देश की महिलाएं, राजनीतिक पार्टियां इस चाल को, इस चुनावी चाल को सब समझ रही हैं, और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की मंशा साफ है तो आप 2024 में लागू कीजिए इसको चुनाव में। आप मुझे बताइए, पिछला जो यूपीए की सरकार में महिला आरक्षण बिल आया था उसमें इस तरह की कंडीशन थी क्या, इस तरह की शर्तें थी क्या कि 15 साल में लागू करेंगे, 20 साल में लागू करेंगे, 25 साल में लागू करेंगे, लागू करेंगे या नहीं करेंगे, परसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, फिर कोर्ट में स्टे लग जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग जाएगा, ये क्या मजाक है। तो इसलिए महिला आरक्षण बिल महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, इस बात को हम लोग कह रहे हैं। और इसलिए अगर जरा सी भी महिलाओं का हित करने और आरक्षण करने में रुचि है नरेंद्र मोदी सरकार की और उनकी मंशा और नीयत साफ है तो थोड़ा सा संशोधन करें, ये टाइम लिमिट हटाए, 24 से लागू करें। वर्तमान स्वरूप में आप लोग समर्थन करेंगे क्या इसका? अभी इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, उसमें इस पे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और जहां तक आम आदमी पार्टी का पक्ष है, कल ही हम लोगों ने जैसे ये बिल देखा, ये तो 20 साल में लागू नहीं होगा, तो ऐसा बिल ला के फायदा क्या है जो 20 साल 25 साल फिर लटका रहे, महिलाओं को आरक्षण कहां मिलेगा। जब आपने इसमें ऐसी कंडीशन लगा दी, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन, सेंसस, ये वो, कोर्ट में फिर स्टे, फिर तो चलता रहेगा, कहानी चलती रहेगी, रुकने वाली है नहीं। लेकिन गृह मंत्री सवाल उठा रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टियां सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने इसे रोका, टेबल नहीं होने दिया पिछले 10 साल से। अरे कांग्रेस पार्टी ने जो यूपीए की सरकार ने जो बिल लाया था उसमें ये प्रावधान क्या था क्या? मैं तो छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। इसका मतलब आपके मन में एक चालबाजी है, एक चुनावी चाल आप खेल रहे हैं, तो ये चाल हम लोग नहीं चलने देंगे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, जब पिछले बिल में ये प्रावधान नहीं था, डिलिमिटेशन, सेंसस, फिर कोर्ट से स्टे, फिर यहाँ वहाँ, क्यों लटका रहे भाई, 20 साल 25 साल फिर लटका रहेगा। सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दी गई है आप लोगों को, उसमें क्या कोई बदलाव भी है प्रस्तावना में? मैं तो भाई सस्पेंडेड हूँ, जो लोग बहाल है उनसे पूछे, मुझे तो मिली नहीं कॉपी। सीए के रूल्स नोटिफाई करने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में जब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आती कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे अभी सरकार ने सस्पेंड कर रखा है तो इसलिए मुझे कोई संविधान की कॉपी मिली नहीं, ना मुझे सदन के अंदर जाने का मौका मिला, तो मैं बता नहीं सकता उसके अंदर क्या लिखा है। ठीक ठीक।